सामने है और आप देख सकते हैं नारायण गगन बल्ब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लगमानी हिल्स और आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त कितनी ऊंचाई पे खड़ा हूँ। पूरा मानसरा यहाँ पे मेरे सामने है और आप देख सकते हैं जितनी भी ये सामने जो है ये सड़क है, ये सीधा एबटाबाद की तरफ जन्म जाती है और यही सड़क जो है सीधा अगर हम राइट को मुड़ें तो ये सड़क सीधा जो है नारायण कागान बालाकोट साइड की तरफ जाती है। तो आप देख सकते हैं पूरा मानसरा मेरे सामने है और मानसरा के हवाले से कुछ मालूमात मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर नए आने वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की खूबसूरत वीडियो और मानसरा के बारे में जानते हैं कि ये मानसरा कहाँ से आया और किस नाम से यहाँ पर मानसरा का नाम पड़ा। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की वीडियो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल के थ्रू आपको, ये मेरा वीडियो चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मानसेरा एक ऐसा शहर है जहाँ पे आज पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी और कई किस्म के यहाँ पर मुस्लिम, गैर मुस्लिम यहाँ पर आबाद थे। जब 1947 में पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ से हिंदू कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी यहाँ से कूच करके इंडिया चले गए। कुछ कम्युनिटी इस वक्त भी यहाँ पर आबाद है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो है एक गुरुद्वारा भी है और यहाँ पर एक मंदिर भी है, तो उससे ये साबित होता है कि ये जो मानसेरा है, ये जितनी जगह आपको नज़र दिखाई दे रही है, ये सारे का सारा इलाका जो है यहाँ पर मोस्टली ज़्यादातर यहाँ पर सिख और हिंदू आबाद थे। अब हमने अपने बुज़ुर्गों से ये सुना है कि मानसेरा नाम क्या कहाँ से पड़ा। मानसेरा नाम जो है ये पड़ा मान सिंह, यहाँ पे एक सिख आबाद था जिसका नाम था मान सिंह, जो इन सब का बड़ा था। अब वो मान सिंह जो है उसके नाम से ये जगह का नाम पड़ा मान सिंह, तो वो बिगड़ते बिगड़ते जो है उसका नाम पड़ गया मानसेरा। अब जो है उसको मानसेरा कहा जाता है। और ये मानसेरा जो है सिर्फ इतनी सी जगह नहीं है जो ये नज़र आ रही है। मानसेरा जो है ये दाता से शुरू होता है, जो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से टच होता है, और वहाँ से शुरू होकर सीधा डिस्ट्रिक्ट बटाग्राम जहाँ पर छत्रप्रेन एंड होता है वहाँ जाकर ये ख़त्म होता है। और उस तरफ जो है ये डिस्ट्रिक्ट मानसेरा जो है ये दरबन तक जाता है, और इस तरफ बाबूसर टॉप तक जो है, बाबूसर टॉप जो मेरे आपने पिछला व्लॉग देखा होगा, बाबूसर टॉप तक जो है ये डिस्ट्रिक्ट मानसेरा है, वहाँ से आगे डिस्ट्रिक्ट दियावर शुरू होता है, और ये बटग्राम जो है वो छत्र प्लेन से आगे शुरू होता है। और इस साइड पे आप देख सकते हैं कि इस साइड पे हम अभी आप जाएंगे तो इंशाल्लाह जो है आगे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद जो है वो दाता से शुरू होगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट मानसेरा एक बहुत पुरमन, बहुत खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन जगह है रहने के हवाले से भी। और यहाँ पर फैसिलिटीज़ हर किस्म की हैं, स्कूल्स यहाँ पर हैं, और यहाँ पे जो है स्पेशली सैर व सहत के हवाले से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है हमारा अपना इलाका छत्रप्रेन जो है वो सैर व सहत के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। बाहर से जितने लोग हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जब भी आएँ छत्रप्रेन ज़रूर आएँ। उसके अलावा यहाँ पर नारायण कागान खूबसूरत इलाका है, खूबसूरत जगह है। उगी जो है एक खूबसूरत इलाका है। सिरन वैली एक खूबसूरत इलाका है, उस पर भी मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, और उगी पर भी मैंने एक व्लॉग बनाया हुआ है। तो मेरे व्लॉग भी आप देखें, उसको एंजॉय भी करें, और आप सब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार फिर कि आप यहाँ पर आएँ, अपनी फैमिली बच्चों को लेकर आएँ। और बहुत ही खूबसूरत इलाका है, बहुत खूबसूरत जगह है। हमसे जो तान हम इंशाल्लाह आपके साथ करेंगे, और आपको यहाँ पर इंशाल्लाह बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये था मानसेरा के बारे में कुछ मुख्तसर सी मालूमात। इंशाल्लाह आपको एक अगले व्लॉग में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए दीजिए वसीम साहब को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।